वेरी गुड। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि फिजिक्स की पढ़ाई बिना एक्सपेरिमेंट के अधूरी रहती है। हमने आपको कहा था कि फिजिक्स में आपको मज़ा आएगा। आज हम लर्निंग बाय डूइंग देखते हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि आपके क्लास में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जिनको आप सीख करके फिजिक्स को बेहतर कर पाएंगे। तो आपके यहाँ टोटल 4 एक्सपेरिमेंट हैं, उनमें हमें 1 by 1 डिस्कस कर लेना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी सॉलिड बॉडी की डेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे, किसके हेल्प से, स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से, और हम मेजरिंग सिलेंडर के हेल्प से आज हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ना कि डेंसिटी क्या होती है। मैंने आपको बताया था ना कि डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये हो गया, किसी भी चीज़ का अगर हम यूनिट वॉल्यूम ले लें तो उसमें जितना उसका मास होता है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? डेंसिटी कहलाती है। तो डेंसिटी का मतलब हो गया 1 meter लेंथ, 1 meter ब्रेथ, 1 meter हाइट की ऑब्जेक्ट में जितना मास होगा वो डेंसिटी होगी। तो आज आइए हम आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, हमारे पास ये एक मेटालिक बॉब है, ये ब्रास का बना हुआ है। किसका बना हुआ है बच्चों? ब्रास का बना हुआ है। जोर से बोलो, ब्रास का बना हुआ है। इसकी डेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है। ये स्प्रिंग बैलेंस क्या होती है बच्चों? इससे हम लोग वेट मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? वेट मेजर करते हैं। और हमारे पास ये मेजरिंग सिलेंडर है जिससे हम इस सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करेंगे। ये हमारे पास जो है आयरन स्टैंड है। इतनी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट पड़ेंगी इस एक्सपेरिमेंट के लिए। अब आइए आपको एक एक चीज़ के विषय में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ये स्प्रिंग बैलेंस है, इससे हम किसी चीज़ का वेट मेजर करते हैं। इसमें 0 से लेकर के 250 ग्राम तक की रीडिंग बनी हुई है और टोटल 0 से 250 डिवीजन है। तो इसकी रेंज टोटल 250 ग्राम की है। मीन्स ये 250 ग्राम तक की वेट को मेजर कर सकती है। इसमें टोटल 50 डिवीजन बने हुए हैं। तो 50 डिवीजन की वैल्यू 250 ग्राम है। तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी हुई स्टूडेंट? 250/50 कितना होता है? 5 ग्राम। वेरी गुड, ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो 1 डिवीजन की वैल्यू 5 ग्राम हो गई। तो हम बोलेंगे इसकी लीस्ट काउंट कितनी हो गई? 5 ग्राम पर डिवीजन। क्या हो गई? 5 ग्राम हो गई। इसका मतलब ये मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकती है? 5 ग्राम कर सकती है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट हम कर सके बच्चों, वो उसकी लीस्ट काउंट कहलाती है। इसकी लीस्ट काउंट 5 ग्राम हो गई। ये रहा स्प्रिंग बैलेंस। इसको हम पॉइंटर बोलते हैं। ये हमारा पॉइंटर कहलाता है, ये हमारा पॉइंटर कहलाता है। ये इस पर रीडिंग बनी हुई है। इसको हम हुक बोलते हैं, इसको हुक बोलते हैं। यहाँ पर लेबलिंग करने के लिए यहाँ पर एक आपकी जो है मेटालिक स्ट्रिप लगी, यहाँ पर एक मेटालिक स्ट्रिप लगी होती है, ये मेटालिक स्ट्रिप लगी होती है यहाँ पर। ये आपकी रीडिंग है, ये पॉइंटर कहलाता है। 0 से लेकर के 250 रीडिंग है। और ये मेजरिंग सिलेंडर है जो हमने 100 ml का ले रखा है। इसमें 0 से लेकर के 100 ml तक के जो है साइन बने हुए हैं। और 1 डिवीजन की वैल्यू 5 ml है। तो 1 डिवीजन अगर वाटर लेवल ऊपर बढ़ेगा तो 5 ml वाटर ऊपर जो है वो रेज कर जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसका डेंसिटी, इसकी कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो चलिए, डेंसिटी के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने इस आयरन स्टैंड पर ऐसे सस्पेंड कर देते हैं। देखिए, हमने अपने स्प्रिंग बैलेंस को इस आयरन स्टैंड पर सस्पेंड कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमें इस ऑब्जेक्ट का वेट एयर में मेजर करना है। क्या करना है? एयर में मेजर करना है। तो एयर में मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने इस ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी हमें मेजर करना है, इसको हम इससे सस्पेंड कर देते हैं। देखिए, इसमें हमने छोटा सा थ्रेड का हुक बना दिया और इस हुक से इसको हमने सस्पेंड कर दिया। अब हम देखेंगे कि इसकी रीडिंग कितनी है। ये रीडिंग हम देखेंगे, ये रीडिंग आपको देखिए। अब हम देखेंगे कि पॉइंटर हमारा कहाँ पर है। यहाँ देखिए, पॉइंटर हमारा 0 से लेकर के 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन,
शिफ्ट हो गया, कितना 4 डिवीजन शिफ्ट हो गया। देखिए 4 की सीध में है, किसकी सीध में है, देखिए 4 की सीध में है। और अभी हमने बताया था कि 1 डिवीजन कितने ग्राम होता है, 5 ग्राम होता है। कितने डिवीजन पॉइंटर गया, 4 डिवीजन गया, तो कितने ग्राम हो गया इसका वेट बताइए स्टूडेंट्स। 4×5=20 ग्राम, कितना 4×5=20 ग्राम। तो जब मैंने देखिए जब हमने इस वेट को नहीं सस्पेंड किया था तो ये पॉइंटर यहाँ पर 0 की सीध में था, इसमें कोई 0 एरर नहीं है। जब भी कोई वेट ना सस्पेंड हो, अगर स्प्रिंग बैलेंस का पॉइंटर 0 की सीध में होता है तो इसमें कोई 0 एरर नहीं मानी जाती है, तो आपकी यहाँ पर 0 एरर नील है। अब हमने जब इसको सस्पेंड किया तो सस्पेंड करने के बाद फाइनल रीडिंग हमारी देखिए फाइनल रीडिंग हमारी आ रही है, देखिए 4 डिवीजन, कितने डिवीजन आ रही है, 4 डिवीजन। तो 5×4=20 ग्राम इसका वेट हो गया एयर में। अब आपको क्या करनी है, देखिए आपको साइंटिस्ट बनना है, ये आपको लैब मैनुअल पढ़ ले लेना है। इस लैब मैनुअल में सेकंड एक्सपेरिमेंट आप जब ओपन करेंगे तो सेकंड एक्सपेरिमेंट आपका आएगा, सेकंड एक्सपेरिमेंट है टू मेजर द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड बाय द स्प्रिंग बैलेंस एंड मेजरिंग सिलेंडर। मींस हमें एक सॉलिड की डेंसिटी मेजरिंग सिलेंडर और स्प्रिंग बैलेंस मेजर करना है। इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो इसमें आपको डेटा, इसके डेटा के अकॉर्डिंग अब हम सबसे पहले इसमें वेट रिकॉर्ड करेंगे। देखिए फर्स्ट कॉलम आपका था लिस्ट काउंट ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। अब लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 50, टोटल रेंज कितना है 250 ग्राम, तो 250/50 कर देंगे तो 5 ग्राम/डिवीजन इसकी जो है लिस्ट काउंट आ जाएगी। ये अब ये पहला स्टेप आ गया। दूसरे स्टेप में जब आपने कोई वेट नहीं हैंग किया था तो रीडिंग कितनी थी, 0 थी। कितनी थी रीडिंग, तो फर्स्ट रीडिंग 0 आ जाएगी। अब सेकंड जब आपने वेट को हैंग कर दिया तो रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस का कितना है, 20 ग्राम, तो वेट ऑफ द सॉलिड कितना आ गया, 20 ग्राम। फाइनल रीडिंग क्या हो जाएगी, 20-0 20 ग्राम हो गया। ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, आपने सॉलिड का वेट एयर में कैलकुलेट कर लिया। अब आइए हम देखते हैं कि हम इसके वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए देखिए ये हमने मेजरिंग सिलेंडर ले लिया, ये 100 मिलीलीटर का सिलेंडर है, यहाँ 0 से लेकर के 100 तक की रीडिंग है और 1 डिवीजन इसका 5 मिलीलीटर है। अगर 1 डिवीजन वाटर लेवल ऊपर बढ़ जाएगा तो इसका तो 5 मिलीलीटर ऊपर बढ़ गया। इस समय देखिए वाटर हमने कितने मिलीलीटर रखा है, देखिए बच्चों इस समय हमने 75 से कुछ कम ले रखा है, देखिए 74.5 यहाँ पर, देखिए ये आपका 75 की रीडिंग है और 1 डिवीजन आपका 5 मिलीलीटर है, तो ये 74.5 मिलीलीटर के आसपास या 75 अगर आप लेते हैं 75 मिलीलीटर हमने वाटर ले रखा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस वाटर को ऐसे रख देना है और अपने इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को इसमें उठा करके पूरा इमर्ज कर देना है, आपको इसके उसमें उठा के कंप्लीट इमर्ज कर देना है। अब इमर्ज करने के बाद आपको फिर रीडिंग देखनी है, जब आप इमर्ज कर देंगे तो अब आपको देखनी है कि इसमें बीकर में आपकी रीडिंग क्या आ गई। अब रीडिंग देखिए इसमें रीडिंग कितनी आ रही है, रीडिंग पहले देखिए 75 थी, अब देखिए 75 के ऊपर 1 डिवीजन से कुछ कम है, देखिए 1 डिवीजन जाता तो ये 5 मिलीमीटर हो जाता, 5 मिलीलीटर, अब 1 डिवीजन से कम है, हम इसको हाफ डिवीजन मान रहे हैं, हाफ डिवीजन मतलब 2.5 मिलीलीटर, तो 2.5 मिलीलीटर और इंक्रीज हुआ तो 75 पहले था, हाफ डिवीजन ऊपर गया, 1 डिवीजन है 5 मिलीलीटर, तो बताइए हाफ डिवीजन कितना हो जाएगा, 2.5 मिलीलीटर, तो अब रीडिंग कहाँ पहुँच गई, 77.5 ml, कहाँ पहुँच गई, 77.5 ml, तो वॉल्यूम कितना हुआ, फाइनल वॉल्यूम 77.5 ml हो गया। तो आपका जो आपके रिकॉर्ड मैनुअल में V2 की वैल्यू हो गई 77.5 ml हो गया। अब वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम वाटर का वॉल्यूम जितना ये डिस्प्लेस करेगा वही इसका वॉल्यूम होगा, तो आपको क्या करना है, फाइनल रीडिंग में से इनिशियल को माइनस कर देना है। फाइनल कितना आया, 77.5, इनिशियल कितना था 75, तो कितना हो गया 2.5 मिलीलीटर इसका वॉल्यूम हो गया।
कैलकुलेट कर ली। एक बार मैं फिर डिफाइन कर दूं, डेंसिटी हमें किसी ऑब्जेक्ट की ये बताती है कि वो चीज़ कितनी हैवियर है, कितनी डेंसर है। मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होता है। जैसे अर्थ की डेंसिटी है 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका तो 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर ब्रेथ में, 1 मीटर डेप्थ में अगर अर्थ को डिग करेंगे तो 5500 किलोग्राम सॉइल निकलेगी। तो वैसे आपको इसकी डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी में पहला स्टेप रहा इसका वेट हम मेजर कर लेंगे, एयर में स्प्रिंग बैलेंस है। दूसरा स्टेप रहा हम इसको मेजरिंग सिलेंडर के अंदर इमर्ज कर करके इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। थर्ड स्टेप में क्या रहा, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वो ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। और लास्ट स्टेप क्या रहा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। ये आपको लैब एक्टिविटी कर लेनी है।